छांदोग्य उपनिषद की 43वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के 8वें प्रपाठक को हम देख रहे थे। उपनिषद का ये अंतिम प्रपाठक है। प्रथम 7 प्रपाठकों में भी परमात्मा ब्रह्म के विषय में बहुत सारी बातें बताई गई और अब भी उपसंहार के रूप में, सार के रूप में और गंभीर अध्यात्म से संबंधित बातें ही, ब्रह्म परमात्मा से संबंधित बातें ही बताई जा रही हैं। पिछली कक्षा में 4थे खंड को हमने समाप्त किया था, आज 5वां खंड प्रारंभ होगा। तो 4थे खंड के अंत में इन्होंने एक बात रखी थी कि तदीय एव एतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येण अनुविंदन्ति, इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त करते हैं, उन्हीं के लिए वह ब्रह्मलोक होता है और उनका सब लोकों में कामचार होता है। तो ब्रह्मचर्य कैसा कैसा होता है, किस किस को यह ब्रह्मचर्य नाम से कह रहे हैं, वो अब आगे वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। तो 5वां खंड देखिए, पहला प्रवाक, अथ यत यज्ञ इति आचक्षते ब्रह्मचर्य में एव तत्। ये जो यज्ञ कहा जाता है, जिसको यज्ञ कहते हैं, ये ब्रह्मचर्य ही है। यज्ञ जो हम अग्निहोत्र आदि करते हैं, अग्नि के अंदर आहुतियां देते हैं, ये जो एक प्रक्रिया है जो कि इसका, इस उपनिषद का भी जो पहले का भाग है ब्राह्मण का, वो कर्मकांड से संबंधित है, यज्ञ आदि का वर्णन आया। तो उसमें पहले सबसे कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ है, जिसको यज्ञ कहते हैं, ये ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्येण ही एव यो ज्ञाता तम विन्दते, ब्रह्मचर्य के द्वारा जो ज्ञाता होता है, यह ज्ञाता, जो ज्ञाता होता है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करके जो ज्ञाता बनता है, ज्ञान वाला बन जाता है, वह तम विन्दते, उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो यज्ञ शब्द का इन्होंने इस तरह से तोड़ के वर्णन किया, यो ज्ञाता, यज्ञ, यह का यह ले लिया और ज्ञाता का ज्ञाता मतलब यह जानने वाला, यज्ञ जो जानने वाला है वो यज्ञ। तो यज्ञ को करते हुए वो जानने वाला होता है, वो जो जानने वाला है वो उस ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ब्रह्मचर्य से वो जानने वाला हो जाता है, ब्रह्मचर्य काल में ज्ञान को प्राप्त करता है, जानने वाला हो जाता है और उससे फिर वो परमात्मा को प्राप्त करता है। अर्थात बिना ज्ञान के परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान की साधना जिन्होंने नहीं की है, वैसे ही अपने मन से जैसे भी चाहते हैं, जो आया मन में वो करते रहते हैं, तो उसमें जितना अंश ठीक है, ठीक ढंग से सुना है, किसी ने ठीक बताया है, वो तो अच्छा है ही, वो तो ब्रह्म की तरफ ले जाने वाला है, लेकिन वैसे ही जो कुछ करते रहते हैं वो ब्रह्म की तरफ नहीं लाता। तो जो जानने वाला है, मतलब जो ठीक ठीक जानने वाला है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए शुद्ध ज्ञान जरूरी है। और जो ये यज्ञ किया जाता है, जो नित्य अग्निहोत्र आदि किए जाते हैं, उसको भी ब्रह्मचर्य शब्द से कहा, क्योंकि उसमें भी ब्रह्मचर्य का पालन होता है, संयम होता है, व्यक्ति कुछ नियमों का पालन करता है और फिर उस कार्य को करता है, तो ब्रह्मचर्य से जुड़ा हुआ है। तो जो यज्ञ को कर रहा है वो एक तरह से ब्रह्मचर्य का पालन भी साथ में कर रहा है। इसलिए कहा कि जिसको यज्ञ कहते हैं वो ब्रह्मचर्य ही है और ब्रह्मचर्य से वो जान करके उस ब्रह्म को प्राप्त करता है, उसकी ओर बढ़ता है। ये ब्रह्मचर्य का एक प्रकार बताया। आगे देखिए, अथ यद इष्टम इति आचक्षते ब्रह्मचर्य में एव तत्। जिसको इष्ट कहते हैं वो भी ब्रह्मचर्य ही है। तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसमें इच्छा पूर्वक किए जाते हैं, कामनाएं होती हैं, इष्टियां होती हैं, कामना पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं, परोपकार के कर्म हैं ये, और कुछ याग आदि हैं, उनको भी इष्ट या इष्टि के नाम से यहां पर ग्रहण करते हैं, तो वो भी एक तरह का ब्रह्मचर्य है। किसी कामना की पूर्ति के लिए, किसी लक्ष्य को निर्धारित करके उसके लिए प्रयत्न करना, विशेष पुरुषार्थ करना, वो भी ब्रह्मचर्य है। उसमें भी एक संयम सदता है, व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति में जितना तप करता है, प्रयत्न करता है, उसमें अपना संयम तो रखता ही है वो, नहीं तो वो पुरुषार्थ ही नहीं कर सकता।
तो लक्ष्य ऊंचा हो और उसकी प्राप्ति के लिए जो लंबे समय तक व्यक्ति लगा रहता है, दिन रात लगा रहता है, मेहनत करता है, ये भी ब्रह्मचर्य है, ये भी परमात्मा की तरफ ले जाने वाला है। ब्रह्मचर्यण ही एव इष्टम आत्मानम अनुविंदते, इस ब्रह्मचर्य के द्वारा ही इष्ट को यानी आत्मा को वो प्राप्त करता है। तो इष्ट जब परमात्मा बन जाता है, अन्य इष्टों में भी ब्रह्मचर्य का कुछ अंश रहेगा ही, लेकिन जब इष्ट परमात्मा ही बन जाता है तो वो भी एक तरह का ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म ही इष्ट होता है वहां पर, परमात्मा ही इष्ट होता है और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है, ये भी ब्रह्मचर्य का पालन है। और ऐसा करते हुए उस आत्मा को यानी परमात्मा को विंदते प्राप्त कर लेता है, ये भी एक ब्रह्मचर्य का प्रकार है। आगे अथ यत सत्रायणम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्, जिसे सत्रायण कहते हैं, सत्रायण नाम का कोई याग है उसके लिए कहा, वो भी ब्रह्मचर्य ही है। वो सत्रायण में क्या होता है उसको स्वयं थोड़ा सा खोल रहे हैं कि ब्रह्मचर्येण ही एव सत आत्मनः त्राणम विंदते, ब्रह्मचर्य के द्वारा ही, ये जो सत्रायण शब्द है, सत्रायण जो है उसी में, तो सतः त्राणम विंदते सत्रायणम, तो सतः आत्मानम आत्मनम आत्मनः, सतः आत्मनः, सत का यानी आत्मा का, अपना, या आत्मा का मतलब अपना है, अपना त्राणम विंदते, त्राण प्राप्त कर लेता है, रक्षा प्राप्त कर लेता है वो सत्रायण। तो जहां आत्मा का त्राण, निश्चय, निर्भयता, निशंकता, डर रहित स्थिति, कोई आशंका नहीं, कुशंका नहीं, बिल्कुल निर्भय हो जाता है, ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है, वो सत्रायण कहलाता है। तो जो सत्रायण का पालन करता है, सत्रायण जिसको सत्रायण कहते हैं, यानी अपने आप की रक्षा के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, अपनी रक्षा के लिए, एक तो भौतिक रक्षा हम अपनी करते हैं जिनसे हम आंशिक रूप से एक एक अंश में निर्भय होते रहते हैं, अलग अलग डर हमारे को रहते हैं, चोरी के, अपहरण के, पशुओं के, पक्षियों के, उनसे अपनी रक्षा करता रहता है, वो एक अपनी रक्षा कर रहा है, ये तो स्थूल रूप से रक्षा हुई। ये आत्मा के साधनों की रक्षा होते हुए आत्मा की रक्षा है, क्योंकि साधनों के नष्ट होने से आत्मा पे अंतर आता है, आत्मा अभाव में जाता है, उसकी उन्नति नहीं होती है, इसलिए वो भी आत्मा की हानि कहलाती है। लेकिन एक होता है आत्मा का यानी स्वयं आत्मा चेतन तत्व की रक्षा वास्तव में किसमें है, उसकी निर्भयता किसमें है, उसकी हानि किसमें नहीं होती है। अभी एकदम आध्यात्मिक चीजों में अगर हम चले जाएंगे तो जितने भी पाप कर्म है, गलत कर्म है, आत्मा का त्राण जिसमें है, आत्मा का हित जिसमें होता है वास्तव में, उसको ध्यान में रखकर कोई कोई लगा हुआ है, ये भी यज्ञ है, ये भी ब्रह्मचर्य है। ऐसे ही कार्य करता है जिससे कि आत्मा का हित होता हो, आत्मा का अहित नहीं करेगा वो, कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, इस तरह की जो साधना कर रहा है, ये सत्रायण नाम का याग हो गया, तो ये भी ब्रह्मचर्य है और इससे भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के जितने भी साधन है उन्हीं से आत्मा में निर्भयता आती है, नहीं तो भय लगा रहेगा, कुछ ना कुछ भय लगा रहेगा। हम ऐसे कार्यों को करेंगे जिससे आत्मा का हित नहीं हो रहा है, आत्मा का अहित हो रहा है, लेकिन शरीर का, भवनों का, वस्त्रों का, खाद्य पदार्थों का, इनका तो संरक्षण हो रहा है, ये तो अच्छे बन रहे हैं, लेकिन आत्मा का अहित हो रहा है, तो उससे उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते और न वो ब्रह्मचर्य कहलाएगा, क्योंकि उसमें तपस्या ही नहीं होती है, कम तपस्या होती है उसमें। तो जब व्यक्ति आत्मा के हित को ध्यान में रखते हुए ही धन आदि का अर्जन करता है, अन्यों से व्यवहार करता है कि इससे मेरी आत्मा को हानि नहीं हो, पाप नहीं चढ़े, उसमें तप होता है, व्यक्ति को जोर पड़ता है, वो यम नियमों का पालन करेगा, ऐसे ही किसी की हिंसा नहीं कर देगा, ऐसे ही झूठ नहीं बोल देगा, वो सब करेगा, तो उसमें थोड़ा तप होता है, कष्ट भी होता है, ये एक तरह का ब्रह्मचर्य है, ये संयमन है, अपने को नियमित करता है, संयमित करता है। ब्रह्मचर्य को तो बहुत बड़ा तप माना गया है, ये सब तप है, यज्ञ करें, इष्ट करें, इष्ट को लक्ष्य में रख करके काम करें, या तो सत्रायण करें, आत्मा का त्राण जिसमें है उस स्थिति के लिए प्रयत्न करें, इसी में कोई लग गया है बस, मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे आत्मा का अहित होता हो, तो वो सारा का सारा वही तो विधान आ जाएगा वेद का,
परमात्मा का ही तो सारा विधान आ जाएगा दूसरे शब्दों में, क्योंकि तो परमात्मा ने जो विधान हमारे लिए कर रखा है वो ऐसा है जिससे आत्मा का हित होता है, आत्मा का त्राण होता है, ऐसे ही तो विधान कर रखे हैं उसने। उसने अपने लिए थोड़ा ना विधान कर रखे हैं, आत्मा का जिसमें हित होता है वही तो उसने कर रखा है। तो चलो कोई उस ढंग से नहीं चल रहा है, लेकिन ये समझ लिया है कि मेरी आत्मा का त्राण किसमें है, इसी को ध्यान में रख करके जो चल रहा है वो भी उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। तो अथ यत सत्रायणम इति आचक्षते आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्, ब्रह्मचर्यण ही एव सत आत्मनः त्राणम विन्दते। ये सब ब्रह्मचर्य का ही रूप, ये तीसरा ब्रह्मचर्य का रूप बताया। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, किसी की किसमें प्रवृत्ति होती है, किसी को कौन सा चीज अनुकूल लगती है, साधना के भाग हैं ये, ब्रह्मचर्य के भाग हैं, और भी आगे बता रहे हैं। अथ यत मौनम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्, ये जो मौन कहा गया है, वाणी का मौन तो प्रसिद्ध है ही, उतना भी कोई करता है तो ये भी ब्रह्मचर्य का पालन है, नियमन संयमन कर रहा है, वो तप कर रहा है मौन रह करके, इससे भी परमात्मा की तरफ गति होती है, ये भी एक तरह का ब्रह्मचर्य ही है। ने पीछे क्या कहा था कि इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त करता है, बिना ब्रह्मचर्य के ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं कर सकता। अब कौन किस ढंग से ब्रह्मचर्य कर सकता है, ये बहुत सारे रूप बताए जा रहे हैं, किसी को भी लेकर के चल सकता है व्यक्ति, उतने उतने स्तर पर ब्रह्मचर्य का पालन होता चला जाएगा। तो ये जो मौन है ये भी ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य ही एव आत्मानम अनुविद्य मनुते, ब्रह्मचर्य के द्वारा मौन के द्वारा ही आत्मा को जान करके और फिर मनन करता है उसमें। ये कौन सा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन किया, संयम का पालन किया, अब मौन रहता है तो चुप रहता है और उसी के साथ में मनन उसका चलता है। वाणी का मौन रहेगा, औरों से बातचीत नहीं करेगा, सुनेगा नहीं दूसरों की, इधर उधर की बातें नहीं होगी, तो अपने में रहेगा, अपने में रहेगा, अपने बारे में सोचेगा, अपने को जानेगा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इत्यादि प्रश्न उसके उठेंगे, अपने बारे में सोचने लगेगा और सोचने लगेगा, जानेगा कुछ और उस पर मनन करने लगेगा, और यह प्रक्रिया परमात्मा की तरफ ले जाने वाली है, ब्रह्मलोक को प्राप्त कराने वाली है। तो इसलिए मौन भी एक ब्रह्मचर्य है। और आगे कहा, अथ यत अनाशकायनम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्। अनाशकायन नाम का कोई कथन होता है कि यह अनाशकायन है, वो भी ब्रह्मचर्य ही है। अनाशकायन में अ तो निषेध में हो गया, नाश, नाश मतलब तो नष्ट होना जैसे होता है, नाशकायन। तो जहां अनाशकायन जो नष्ट नहीं होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती, अजर अमर है, ये करके जो साधना करता है, आत्मा नष्ट नहीं होती ये सोच के बैठा है बस वो, और उसको ध्यान में रख करके सारे व्यवहार कर रहा है, अपने को आत्मा समझ लिया उसने कि मैं ये शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैं आत्मा तो नष्ट न होने वाला हूं, तो जो जो नष्ट होने वाले हैं वो मैं नहीं हूं, ये निश्चित हो जाएगा उसको। ये अनाशकायन जिसे कहा जाता है कि जिसमें ये नष्ट नहीं होता है, ये भाव उसने बना लिया है और अपने को समझ लिया है जो नष्ट नहीं होता है वो मैं हूं, इतना एक चीज उसको निश्चय हो गया पक्का, नष्ट होने वाली चीज मैं नहीं हूं, मैं तो नष्ट न होने वाला हूं। अब ये एक ही चीज उसको ब्रह्मलोक की तरफ ले जाएगी। तो ये अनाशकायन है, ये भी ब्रह्मचर्य ही है, और उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा, उसके व्यवहार बदल जाएंगे, उसका धनार्जन बदल जाएगा, उसकी भोग की पद्धति बदल जाएगी, जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा उसका। वो अपने को किस तरह देखेगा, मैं तो नष्ट नहीं होने वाला हूं, नष्ट बाकी चीजों को वो नष्ट होने वाला देखेगा, ये शरीर आदि है, मकान है, धन संपत्ति है, ये सब नष्ट, भाई बहन परिवार ये नष्ट होने वाले हैं, ऐसे देखेगा, और ऐसे देखेगा तो अलग ढंग से व्यवहार करेगा, थोड़े दिन के हैं ये नष्ट होने वाले हैं तो कितने दिन चलने वाले हैं, इनके लिए मैं कितना क्या करूं, इनके लिए मैं आत्मा की बलि चढ़ा दूं, आत्मा की हानि करके इनका हित करूं, नहीं करेगा वो, आत्मा का ध्यान रखेगा, ये तो वैसे भी नष्ट होने वाले हैं, कितना क्या करें इनका। और दूसरों को भी जब देखेगा तो उसमें स्थित नित्य आत्मा को देखेगा, उनके शरीरों को नहीं देखेगा, देखते हुए भी नहीं देखेगा, मुख्यतः आत्मा की रखेगा,
ये जो है ये आत्मा है, सब आत्माएं हैं, नित्य आत्माएं हैं, ये शरीर रूप में नहीं है, तो उन्हीं के हित के लिए काम करेगा कि जिससे इसकी आत्मा का हित होता हो ऐसा मैं कुछ करूं। उसके शरीर आदि का भी हित करना है तो ऐसा हित जिससे आत्मा का भी हित होता हो ऐसा इसका बाहर का भी हित करूं, बाहर का ऐसा हित न करूं जिससे इसकी आत्मा की हानि होती है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो अनाशकायन इति आचक्षते, अनाशकायन नाम से जो चीज कही जाती है, कुछ इस नाम का कोई यज्ञ भी होता होगा, नहीं तो ये एक चिंतन की बात है, ये भी एक ब्रह्मचर्य है, ये भाव मन में बना रहे किसी के। अनाशकायन को खोल रहे हैं, एष ही आत्मा न नश्यति, ये आत्मा नष्ट नहीं होती। अब इसमें जीवात्मा परक भी अर्थ ले सकते हैं और चाहे तो परमात्मा परक भी अर्थ ले सकते हैं। और परमात्मा पे इतना विश्वास हो जाए कि परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता है, सदा रहता है, तो उसका सहारा भी फिर सदा ही हमें प्रतीत होगा, ये सदा सहारा है उसका। बाकी जो सहारा देने वाले हैं, इस जन्म में सहारा देते हैं, हम उनको मान करके परमात्मा के विपरीत चल जाते हैं, परमात्मा के सहारे को छोड़ देते हैं, उसकी न्यायकारिता को छोड़ देते हैं, अन्य लोगों का अधिक मान रख के, उनकी प्रधानता रख के उनके अनुसार कर देते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगी। और उसको दिख रहा है कि ये परमात्मा है जो नष्ट नहीं होता है, यानी सदा वही सहारा है, सदा उसी के नियंत्रण में रहना है, सदा वही न्यायकारी है, तो दूसरे जो छोटे मोटे हैं कुछ काल के लिए, बड़े दिखते हैं न्याय अधिकारी हैं, सहयोगी हैं, वो थोड़े से दिखेंगे, कुछ भी नहीं, इनके आगे उसको नहीं तोलेगा, वो परमात्मा को छोटा नहीं करेगा इनके आगे, उसकी एकदम दृष्टि बदल जाएगी। तो आत्मा परक और परमात्मा परक दोनों ही जगह जब वो अनश्वरता देखने लगेगा, ये एक अकेला चिंतन, ये भी एक बड़ा ब्रह्मचर्य है, उसका ब्रह्मचर्य सध जाएगा, वो बड़ी तपस्या करने लग जाएगा, बहुत संयम करने लग जाएगा। तो अनाशकान ऐसे ही आत्मा न नश्यति यम ब्रह्मचर्येण अनुविंदते, जिसको कि ब्रह्मचर्य से प्राप्त करता है, ब्रह्मचर्य से जिस आत्मा को प्राप्त करता है वो नष्ट नहीं होता है। अनाशकायन का एक और अर्थ भी किया जाता है, अनअशनायनम, अशना अनअशनायनम, भोजन नहीं करना, कम करना, भूखे रहना, उपवास, उपवासनायन, उपवासन उपवासनायन, ये भी एक अर्थ किया जाता है कि कम भोजन करता है या नहीं करता है, उपवास करते हैं, ये भी एक तरह का ब्रह्मचर्य है, इससे भी उस परमात्मा को प्राप्त करता है कि भोजन नहीं करूंगा तो उससे शरीर नष्ट होगा लेकिन आत्मा नष्ट नहीं हो रही है, आत्मा का बल बढ़ रहा है, आत्मा की ताकत बढ़ रही है, इत्यादि सोच करके जो चलता है। ये पांचवें प्रकार का ब्रह्मचर्य बताया और आगे बताते हैं, अथ यत अरण्यायनम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्, जो अरण्यायन नाम का है, जिसको अरण्यायन कहते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य ही है। अरण्यायन क्या है उसको आगे स्वयं खोल रहे हैं, इसमें अर और ण्य दो टुकड़े कर दिए, अर और ण्य, उसका जो अयन है, तो अरश्च ह वै ण्यश्च अरणवो ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोक में दो अर्णव है, समुद्र है, ब्रह्मलोक में दो समुद्र हैं, एक अर और ण्य, दो समुद्र हैं, ब्रह्मलोक मतलब परमात्मा, परमात्मा के अंदर दो समुद्र हैं, अथा एक अर और एक ण्य। तो अर से लेते हैं कर्म, रीगत धातु से गत्यर्थ गति में कर्म के रूप में, और ण्य, ण्य मतलब तो ज्ञान, नियम न लेते हैं नश अदर्शने से, और यह से या प्राप्त प्राप्ति अर्थ या प्रापणे से या लेते हैं, जो नाश करके और अविद्या का नाश करके ब्रह्म को प्राप्त करा देता है वो न्याय कहलाता है, यानी ज्ञान विद्या। तो अर यानी तो कर्म और न्याय मतलब ज्ञान, तो कर्म और ज्ञान रूपी दो अर्णव हैं, समुद्र हैं उस ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मलोक का मतलब ब्रह्म लेंगे तो परमात्मा में मुख्य रूप से क्या दो चीजें हैं, उसकी अपनी दृष्टि से भी एक तो कर्म है उसके बहुत और एक उसका ज्ञान है, उसकी दृष्टि से परमात्मा की दृष्टि से, और आत्माओं की दृष्टि से परमात्मा आत्माओं की क्या चीजें ध्यान रखता है, एक तो उसके कर्म और एक उसका ज्ञान,
कर्म है, कैसे अच्छे और बुरे कर्म किए हैं उसके अनुसार फल दे देता है, और ज्ञान जैसा है उसके अनुसार फिर उसको अगर शुद्ध ज्ञान हो गया है तो मुक्ति दे देता है, अज्ञान है तो कर्मानुसार शरीर देता रहता है, जन्म मरण चक्र चलते रहते हैं। तो परमात्मा जीवात्माओं की दृष्टि से क्या देखता है, ज्ञान और कर्म, ये दो चीजें ही मुख्य हैं, और सब जीवों के ज्ञान और कर्मों को वो जानता है। तो सब जीवों का ज्ञान किसका कैसा है और सब जीवों के कर्म किसके कैसे हैं वो सारे परमात्मा में स्थित हैं, परमात्मा उनको जानता है। तो ये जो भंडार है उसमें दो अर्णव है, ये अण्य अरण्य जो ये जानता है। तो ब्रह्मलोक में ये दो हैं, कर्म और ज्ञान, इसको जो ध्यान में रख करके साधना करता है कि परमात्मा सब जानता है, ज्ञान उसमें है, हमारा ज्ञान भी पता है उसको, हमारे ज्ञान को भी देख रहा है और हमारे कर्मों को भी देख रहा है। तो आगे कहा अरश्च हविण्यश्च अरणवो ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोक में ये दो समुद्र हैं, इसको ध्यान में रख करके जो चलता है वो अरण्यायन जिसे कहते हैं, और ये भी एक प्रकार का ब्रह्मचर्य है। जब मनुष्य को ये ध्यान रह जाए कि सारे कर्म परमात्मा जान रहा है और कर्मों के अनुसार फल मेरे को मिलेगा, तो एकदम परिवर्तन हो जाएगा, सद जाएगा, वो ब्रह्मचर्य पालन आ जाएगा, तपस्या होगी, संयम होगा, गलत कार्य नहीं करेगा, रोक लेगा अपने को, बस ये कर दिया तो ब्रह्मलोक की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, वो परमात्मा की तरफ बढ़ने लग जाएगा। गति मार्ग तो समय लगता है लेकिन बढ़ता चला जाएगा उस तरफ। और ज्ञान का हो गया कि मेरा जो भी जैसा ज्ञान है परमात्मा जानता है, जो भी विचार कर रहा हूं वो परमात्मा जान रहा है, अच्छा बुरा जो भी संस्कार है, अविद्या जितनी है परमात्मा ठीक ठीक जान रहा है, तो उस वो अविद्या को नष्ट करने में लग जाएगा, विद्या को बना के रखेगा। और इसी के बारे में कह रहे हैं तृतीय श्याम इतो दिवि तद ऐरम मरियम सराह इत, यहां से जो तीसरा है, यहां मतलब ये पृथ्वी लोक, और यहां से तीसरा मतलब तीसरा लोक, तो पहला ये पृथ्वी लोक हो गया, दूसरा अंतरिक्ष लोक हो गया, और तीसरा द्विलोक हो गया, जैसा निरुक्त आदि में और शास्त्रों में आता है, तीन लोक माने जाते हैं। तो तृतीय श्याम इतो दिवि, इत यहां से जो तृतीय है, तृतीय श्याम दिवि द्विलोक के अंदर, तद ऐरम मदीयम सरह, ऐरम मदीय नाम का एक सर है, तालाब है, ऐरम मदीय, इरम मद व्याकरण के अंदर आता है, इरया माद्यति इति ऐरम मद, इरा जल को कहते हैं, और भी अर्थ हो सकते हैं, अन्न आदि भी, प्रकृति भी, जल प्रकृति के लिए भी आता है, आपह उससे जो प्रसन्न होता है, ज्योति हो गया। आकाश में बादल होते हैं, वहां जल होता है, और जल के होने से वहां जो बिजली है वो बहुत खुश हो जाती है, जैसे मतलब कड़कने लग जाती है, यही उसका खुश होना है, मद में मदमस्त हो जाती है वो, जल में मदमस्त हो जाती है वो विद्युत। तो ऐरम मद नाम का एक तालाब है जो इनसे प्रसन्न होता है, इसके अंदर इरा का मतलब अन्न, जल और प्रकृति, ये तीन चीजें की हैं इन्होंने, उससे आनंद लेने वाला एक ऐसा सरोवर है, तो वहां उस सरोवर में आनंद तो आता है, विशेष कुछ सरोवर है, और वो सरोवर कैसा है, यानी देखो चित्र भी बना रखा है इन्होंने एक प्रतीक के रूप में, वो सरोवर है, और उसके आगे क्या लिखा है, तद अश्वत्थ सोम सवन, वहां एक अश्वत्थ है, अश्वत्थ वैसे इसको पीपल को बोलते हैं, या वृक्ष को भी कहते हैं अश्वत्थ, पीपल को कहते हैं अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वसतिष्कृत, तो अश्वत्थ जो कल नहीं रहने वाला है, अश्वस्थ, अ मने नहीं, श्व मने कल, जो नहीं ठहरने वाला है यानी नहीं रहने वाला है, अनित्यता नश्वरता को बताने, जो कल नहीं रहने वाला है। अब कल का मतलब तो एकदम कल ही नहीं होता है, निकट भविष्य होता है, कल का मतलब निकट भविष्य, ये भाई ये तो कल जीवन रहे ना रहे, ये धन तो एक दिन का दो दिन का है, और दो दिन का मतलब थोड़े दिनों का है, कल शब्द का प्रयोग होता है निकट भविष्य में, तेलुगु में परसों शब्द का प्रयोग होता है, परसों 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 के अर्थ में। एक बार वहां जा रहे थे तो सड़क नई नई बनी हुई थी, तो टैक्सी में जा रहे थे तो मैंने
कहा अभी ये नई नई बनी है। बोले परसों बनी है। अब हम हिंदी में परसों बनी है का मतलब, तो मैंने कहा अच्छा आपको पता है दो दिन पहले बनी है ये, मैं परसों का मतलब दो दिन पहले लगाया मैंने। मैं जैसा बता सामान्यतः हिंदी में, हम हिंदी में क्या बोल देते हैं इधर, अभी कल बनी है। अब कल बनी है का मतलब एकदम कल वाले पिछले दिन का ही नहीं होता है। कोई कहने लगे आज 11 तारीख है तो कल 10 तारीख है तो कल बनी है, अभी कल की तो बात है, ऐसा बोलते हैं ना, कल की बात है। मतलब कुछ वर्ष भी हो जाते हैं, महीने भी हो जाते हैं, कल की बात है। देखो ये क्या थे और आज क्या हो गए, वो कल की बात मतलब बहुत निकटता से देख रहा है वो। तो फिर मैंने कहा परसों क्यों बोल रहे, तो ऐसा तो उन्होंने बताया कि यहां तेलुगु के अंदर निकट भविष्य के लिए हाँ अनुवाद, वो या तो वो तेलुगु में, तेलुगु भाषी ने हिंदी में बोला होगा तो उसने उसको परसों बोल दिया। बोले तो परसों बनी है सड़क, मतलब तत्काल अभी अभी नई नई बनी है। तो अश्वत्थ जो कल नहीं रहने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो शीघ्र ही नष्ट होने वाला है, तात्पर्य यह है निकट भविष्य में शीघ्रता को बताने के लिए कल नहीं रहने वाला है अश्वत्थ, ऐसा वृक्ष है। तो जो अश्वत्थ होता है, जो कल नहीं रहने वाला है, उसके लिए क्या करना होता है हमारे को, छोड़ो उसको क्या करना है इसका, ठीक है ना, यही होता है ना। जो एक साधना बहुत चलती है इस तरह की, साधना और प्रवचन और चिंतन चलते हैं वैराग्य पैदा करने के लिए, ये सब क्षण भंगुर है क्या है। और फिर उसका उदाहरण वो पानी के बुलबुले की तरह से दे देते हैं, जीवन क्या है पानी के बुलबुले की तरह से, कब फूट जाए क्या पता है, पानी का बुलबुला कितनी देर रहता है। सकारात्मक दृष्टि नकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक दृष्टि है कि पानी का बुलबुला कब फूट जाएगा। तो कर लो जो करना है, जितनी जल्दी करना है उतना जल्दी कर लो। तो एक तो उस दृष्टि से है, एक है कि भाई बिल्कुल ऐसा देख रहे हैं कि जैसे कुछ भी नहीं है दीनहीन अवस्था के अंदर, तो अश्वत्थ है वो तो ठीक है इस तरह से, और इस तरह करके कि क्या पड़ा है इनमें, छोड़ो इनको थोड़े दिन की बात है, छोड़ो इसको, ऐसा करके उनसे अलग कर लेते हैं अपने को, वैराग्य की स्थिति ले आते हैं, पृथक कर लेते हैं मानसिक रूप से, व्यवहार में भी इधर उधर हो जाते हैं तो थोड़ा बच जाते हैं, और चिंता से भी बच जाते हैं थोड़ा। एक प्रक्रिया है, कुछ एक सीमा तक जाती है ये, इसकी गति एक सीमा तक है, जहां तक इसकी गति है वहां तक यथा काम हो जाएगा उसका, पर उसके आगे तो फिर कुछ और सोचना होगा यथार्थ। वो क्षण भंगुरता देखते हैं, और जो जो क्षण भंगुर है उससे क्या लेना देना, इस तरह का कथन होता है। लेकिन देखो यहां क्या कह रहे हैं, अश्वत्थ, लेकिन कैसा है, सोम सवन, उसे सोम रस चूता रहता है अश्वत्थ, लेकिन सोम रस चूता है उससे। सोम रस तो बहुत अच्छा प्रशंसा के अंदर है, उसको ज्ञान कह लें, उसको और कोई आनंद कह ले, वो उसमें से चूता है। ये अश्वत्थ है, ये सृष्टि अश्वत्थ है, प्रकृति कार्य जगत नश्वर है, लेकिन सुख को देने वाली है ये, ज्ञान को देने वाली है, प्रगति कराने वाली है, आनंद देने वाली है, सोम निकलता है इसमें से। अश्वत्थ सोम सवन, तो ये ऐसा सरोवर है एरम मदीय, और ये अश्वत्थ वृक्ष है जिससे सोम, देखो इस पेड़ से टपक रहा है ना नीचे सोम, सोम ज्ञान के रूप में, ज्ञान के रूप में, जैसे सर्दी, सर्दियों में ओस सुबह सुबह टपकती है ना, पड़े पड़े फिर वो टपकने लगते हैं वो पेड़, बारिश के बूंदे पड़ती हैं खूब अच्छी तरह से, इस तरह का बताया। तो ये तो जीवन जैसा अश्वत्थ है, इसमें ज्ञान तो टपकता ही रहता है। ऐसा कभी होता है हम ज्ञान कुछ भी नहीं जानते हो, हर समय कुछ ना कुछ जानते हैं, कोई घटना होती है, कोई अनुभव लेते हैं, खट्टे मीठे, त्रुटि होती है, कभी अच्छा होता है, हमारे से त्रुटि होती है, दूसरे से त्रुटि होती है, कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, वहां पर ज्ञान तो होता ही रहता है। अपने को प्रतीति में क्या लगता है, हम आज अधिक बुद्धिमान है या कल अधिक बुद्धिमान थे, क्या प्रतीत होता है, आज अधिक है पीछे की अपेक्षा, कि भाई पीछे एक महीने पहले का देखे हम, एक महीने के पहले से और अब हम देखें तो भी कुछ अधिक बुद्धिमान लगते हैं या नहीं, एक साल पहले, दस साल पहले,
20 साल 30 साल जिसका जैसा जीवन है कि तब की अपेक्षा हम अधिक बुद्धिमान लगते हैं या मूर्ख लगते हैं? बुद्धिमान लगते हैं ना, हम पीछे वाले को अपने को देखते हैं तो लगता है कि इसमें देखो हमने ये मूर्खताएं की थी, पता नहीं लगता है कि देखो ये गलत कर दिया था, ये गलत बोल दिया था। स्मृति के बारे में तो कहते हैं, उसमें अंतर होता है, समझ के लिए नहीं कहेगा। वृद्ध व्यक्ति देखो बैठे ना, ये कई जने बैठे हैं, आपको ऐसा लगता है कि पहले हम अधिक बुद्धिमान थे या अभी अधिक बुद्धिमान है? अभी अधिक बुद्धिमान है ना, देखो 60-70 साल के हैं, अधिक हैं, तो और 10 साल बाद में भी यूं ही लगेगा। वो जो शिकायत होती है ना, वो स्मृति की होती है कि आप कुछ याद ही नहीं रहता, कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन समझ की दृष्टि से, ज्ञान के रूप में तो मतलब वो समझ को ज्ञान बोलते हैं। बाकी जो याद किया हुआ है शास्त्र का और वो सब न्यून हो जाता है, बोल नहीं सकते, याद नहीं आती हैं चीजें, वो उस दृष्टि से है। आप लोगों में भी देखेंगे तो अपनी स्मृति की शिकायत करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं कि मेरी याददाश्त कम हो गई, याद नहीं आ रहा है मेरे को, मैं भूल जाता हूं। लेकिन अपनी समझ की शिकायत करने वाले कोई कोई होंगे नहीं, तो मिलेंगे नहीं। वो ये नहीं कहते कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अपने ढंग से उसको यही प्रतीत होता है कि मेरे को ठीक समझ में आ रहा है। हाँ, जो चीजें समझ में नहीं आती वो तो पता नहीं लगता, वो अलग है, लेकिन जहां ये होता है कि हाँ मैं समझ रहा हूं जिन विषयों में, कि हाँ मैं समझता हूं या क्या बोलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, औचित्य है, क्या लेन देन करना चाहिए इत्यादि, वो अपने को समझ करके ही करता है, समझदार ही समझता है। जिस समय बच्चा 10-12 साल का होता है, 15 साल का होता है, तो अपने को समझदार नहीं समझता है बचपन में। अब हर साल उसको यूं लगता है मैं काफी समझदार हो गया हूं अब तो, और उसको यूं लगता है जैसे मैं पूरा समझदार हो गया हूं। किशोर जो होते हैं, किशोर किशोरियां हैं, टीनेजर्स जो होते हैं, उसको यूं लगता है जैसे अब तो मैं बिल्कुल समझदार, पूरा समझदार हो गया हूं। और वो चलता ही रहता है फिर वो तो क्रम, चाहे 20 साल का हो जाए, चाहे 25 का या 30 का। अभी भी आप लोगों को भी लगता होगा ना कि समझदार हो गए हैं अब, मान लो जो आप में से 20, 25, 30 के हो गए, 35 के हो गए, जो लगता होगा ना कि आप समझदार हो गए, और जो 60-70 के हो गए हैं, वो उनको भी लगता होगा नहीं हाँ अब तो समझदार हो गए हैं। ये भी साथ में जुड़ा रहता है, पहले तो ठीक है समझदार नहीं थे, कम थे, लेकिन हाँ अब तो मैं समझदार हो गया हूं। और फिर अगले दिन फिर यही लगता है कि नहीं, पिछले दिन कम समझदार था, अब मैं अधिक हूं। एक महीने बाद, साल भर बाद में उसको खुद को ही लगता है कि नहीं, पहले की अपेक्षा में अब समझदार हूं। क्योंकि जीवन की घटनाएं होती रहती हैं, समझ आती रहती है, ऊंची नीची बातें होती रहती हैं, कुछ ना कुछ नया, कोई पढ़ता हो चाहे नहीं पढ़ता हो, जीवन जी रहा है तो भी उसको लगेगा कि मैं कुछ समझदार हो रहा हूं। ये कहां हो रहा है? इस अश्वत्थ में हो रहा है। अश्वत्थ है वो निषेधन, इस अश्वत्थ में ठहरे हुए हैं ना, इसमें सोमरस रसता रहता है। परमात्मा ने इस अश्वत्थ को ऐसा बनाया है कि इसमें से ज्ञान तो टपकता रहेगा, कुछ ना कुछ ज्ञान होता रहेगा हमारे को। कि ठीक है, किसी के अश्वत्थ में ज्यादा ज्ञान हो जाता है, किसी के कम होगा, लेकिन जानकारी तो होती रहती है, वो समझदार होता ही जाता है। चिकित्सक हो तो नए चिकित्सक की अपेक्षा पुराने चिकित्सक होता ही है, अनुभवी होता है। और आजकल भी नौकरियां होती हैं, चाहे कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, चाहे कहीं भी पढ़ाते हो, जो भी कुछ करते हो, गाड़ी भी चलाने वाला होगा, ड्राइवर भी होगा, चालक भी, वो भी कहेगा 10 साल का अनुभव है मेरा, 5 साल का अनुभव है मेरा। पत्रकार भी होंगे तो 10-20 साल हो जाएंगे तो वरिष्ठ पत्रकार नाम आ जाता है साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। 40-45 के हो जाते हैं तो वरिष्ठ पत्रकार हो जाते हैं, 10-20 साल का अनुभव हो गया। तो उस अनुभव के साथ साथ ज्ञान बढ़ रहा है ये बात है, जबकि नया नया आता है तो वो ज्यादा याद रहता है उसको चीजें, नया नया पढ़ करके आता है ना, उसको चीजें ज्यादा याद रहती हैं, स्मृति तो ज्यादा होती है लेकिन समझ कम होती है। बाद में समझ बढ़ती जाती है, स्मृति कम हो जाती है, लेकिन समझ बढ़ जाती है इसलिए उसका काम चल जाता है। स्मृति भले ही कम हो लेकिन समझ बढ़ जाती है तो उसको कमी नहीं लगती है, बल्कि अच्छा लगता है। और तो ये अश्वत्थ कैसा है? सोम सवन है, इसमें सोम तो झरता रहेगा। तो ये अश्वत्थ और नश्वर है, इसका मतलब है ही नहीं, उस तरह से नहीं लेना है। अब क्या करना है इसका? ये जितने भी नश्वरता की बात करने वाले हैं वो सारे के सारे
किसका लालन पालन करते हैं, अश्वत्थ का, इस शरीर का, अपनी वस्तुओं का, छोड़ थोड़ ना देते हैं, वो छोड़ थोड़ ना देते हैं। उनका तात्पर्य केवल इतना ही होता है कि इसी को पूरा अंतिम मत मान लो, इतना ही तो तात्पर्य होता है, बाकी तो छोड़ो। तो अश्वत्थ सोम सवन तद अपराजिता पूर्व ब्रह्मण, ये ब्रह्मण है, ब्रह्म की, परमात्मा की अपराजिता नाम की पू है, नगरी है, पुरी है, जो पराजित नहीं होती, हर कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता, उसके जो मापदंड हैं उस मापदंड पे पहुंचने पर ही वो प्राप्त हो ही जा सकती है, उस पुरी को, उस ब्रह्मलोक को तभी पा सकते हैं, वो कभी भी पराजित नहीं होती, उसका स्तर कभी भी नीचा नहीं आता है, स्टैंडर्ड डाउन नहीं होता है उसका, कि कम अंक हैं वो भी, उनको भी प्रवेश मिल जाएगा या कुछ हो जाएगा, वो अपनी जगह पे है, इस रूप में पराजित नहीं होती है वो, चाहे कम आए चाहे अधिक आए, उस पूरी में कम रहने वाले हों तो कम रहने वाले हों, कोई बात नहीं है, लेकिन जो आएगा वो इस योग्यता वाला ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे आजकल सबसे कठिन सीए को मानते हैं, बहुत कम प्रतिशत में उत्तीर्ण करते हैं, उनको करते ही नहीं है, इतना कठिन होता है, बहुत कम प्रतिशत में करते हैं, वो एक मोटा उदाहरण है, बाकी ऊंचा नीचा तो वहां भी होता रहता है, लेकिन ये पूरी ऐसी है जिसमें बिल्कुल इस सीमा तक इतना सा भी कम होगा तो नहीं पहुंचेगा वहां पर, वो वहां पर कोई अनुकंपा वाले अंक नहीं होते हैं कि चलो ग्रेस हो जाती है ना एक दो अंक की, चलो ठीक है एक दो अंक है कर दो आगे, कुछ नहीं, कितना भी थोड़ा सा भी कम है तो कम है बस, वो पूरा हो जाए और तभी ऊपर जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ऐसी पराजित ना होने वाली, ना झुकने वाली, ऐसी वो पूरी है ब्रह्म की, अपराजिता पूर्व ब्रह्मण, और वो कैस किसकी है, प्रभु विमितम, उस परमात्मा के द्वारा बनाई गई है, और परमात्मा ने ऐसी बनाई है क्योंकि परमात्मा भी झुकता नहीं है, वहां कोई समझौता ही नहीं है, कोई समझौता नहीं पर करता परमात्मा, योग्यता के ऊपर जितनी है बस उतनी, जिसकी भी होगी वो घुस जाएगा, नहीं तो नहीं। प्रभु विनिमितम, और वो कैसी है, हिरणमयम, वो हिरणमय है, वो सुनहरी है बहुत ही, हिरण्य यहां वाला तो छोटा सा है, थोड़ा सा है, उससे बड़ा हिरण्य, चमकीला है, आकर्षक है, बहुत सुखदायक है, अच्छा लगने वाला है, हित रमणीय को बोलते हैं हिरण्य, जो हितकारी हो और रमणीय हो, अच्छा लगता हो, हितकारी भी हो और अच्छा भी हो, ऐसा वो हिरण्य है। संसार की वस्तुएं हैं रमणीय तो होती हैं लेकिन हितकारी नहीं होती हैं पूरी, शरीर के लिए कुछ हितकारी होती हैं, आत्मा के लिए हितकारी नहीं हो पाती हैं, पूरी हितकारी नहीं होती हैं। तो ये हिरण्य वो परम कल्याण, वो मुक्ति ऐसी है, वो उसकी पूरी है जो परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। आगे तत्य एव एता एतौ, तत् एव एतौ, ये जो दो हैं वहां पर, अरम च अण्यम च अरणव ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक में अर और अण्य ये दो अरणव हैं, दो समुद्र हैं, और उनको ब्रह्मचर्य न अनुविंदंती, ब्रह्मचर्य के द्वारा ही उनको प्राप्त करते हैं। अब वो अरण्य है उनको प्राप्त करते हैं, परमात्मा के वहां पर कर्म को प्राप्त करते हैं ब्रह्मलोक में जाकर के। अब होगा कि ब्रह्मलोक में जाके क्या कर्म करेंगे, ज्ञान का तो चलो फिर भी ठीक है भाई, ज्ञानी हो जाता है वहां जाके, कर्म क्या करेगा वहां पर। तो ये जो कर्म और ज्ञान है, दो चीजें जो यहां पर बताई जा रही हैं, इसको यदि ब्रह्मलोक में यानी ब्रह्मलोक के विषय में, ये दो समुद्र हैं ये ब्रह्मलोक के विषय में, ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्य न अनुबिंदती, जब ब्रह्मचर्य से प्राप्त करता है, चलता है व्यक्ति, तब इस कर्म को और ज्ञान को ब्रह्मलोक के विषय में समुद्र के रूप में बना लेता है, प्राप्त कर लेता है। एक व्यक्ति ब्रह्मलोक का विषय नहीं बनाता है, उसका आधार लक्ष्य नहीं बनाता है, और कर्म और ज्ञान करता जाता है, वो ब्रह्मचर्य से नहीं चल रहा है, ब्रह्म को ध्यान में रख करके कर्म और ज्ञान को प्राप्त नहीं कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, तो वो उस ब्रह्मलोक में नहीं जा सकता, उसके ज्ञान और कर्म ब्रह्मलोक से विषय वाले नहीं बनेंगे। और जो ब्रह्मचर्य से ज्ञान और कर्म को कर रहा है, इसका मतलब उसके ज्ञान और कर्म ब्रह्मलोक से संबंधित बन जाते हैं, वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करेगा जो ब्रह्म को प्राप्त कराता हो, वो ऐसा कर्म करेगा जो ब्रह्म की प्राप्ति में सहायक होता हो, वो सारी चीजें उसकी ब्रह्म को लक्ष्य रख करके ही होंगी। तो जो अपने ज्ञान और कर्म को
इस रूप में देख लेता है, इस रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करता है कि अपने सारे ज्ञान और कर्म को ब्रह्म से संबंधित ही रखे, उसकी प्राप्ति के दृष्टि से ही करे या प्राप्त करे, तो वो उस ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेता है। तब उसके कर्म, जब ब्रह्मचर्य पूर्वक ज्ञान और कर्म होंगे तो ज्ञान और कर्म ब्रह्म लोक के विषय वाले हो जाएंगे। हमारा हर ज्ञान, हमारा हर कर्म ब्रह्म लोक के विषय वाला होगा, उसको प्राप्त कराने वाला बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तेषाम एव एषा ब्रह्मलोकः, ये ब्रह्मलोक उन्हीं का ही है। किनका? जो ब्रह्मचर्य पूर्वक ज्ञान और कर्म को कर रहे हैं, ब्रह्म को ध्यान में रखते हुए ज्ञान और कर्म को कर रहे हैं, उन्हीं का ही ब्रह्मलोक है, बाकी का नहीं हो सकता। वो संसार को ध्यान में रख करके कितना भी कर्म कर लें, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, ब्रह्मलोक नहीं होगा उनका। संसार की जितनी गति है वहां तक उनका होता रहेगा। तेषाम एव एषा ब्रह्मलोकः, तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, उन्हीं का सब लोकों में कामचार होता है। जहां वो चाहते हैं, जो कामनाएं हैं वो सारी की सारी पूर्ण हो जाती हैं। आप्त काम, तृप्त काम, आत्म काम हो जाता है, जो पीछे वर्णन आया, सब लोकों में उनका कामचार हो जाता है। तो ये जो हमने पीछे देखा सारा का सारा, तो चौथे खंड में जो कहा गया था कि ब्रह्मचर्य से ही इस ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं, उस ब्रह्मचर्य के रूप यहां पर छह तरह से बताए, ये भी ये भी ये भी, ये सारा ब्रह्मचर्य के रूप में आ जाएगा, ये सारा ब्रह्म की तरफ ले जाने वाला बन जाएगा हमारा, ये इन्होंने यहां पर संकेत कर दिया। और ब्रह्मलोक की तरफ जाते हुए और उससे संबंधित कुछ और बातें अगले खंड में बताई हैं, छठा खंड आठवें प्रपाठक का। अथ या एता हृदय से नाड्य, जो ये हृदय की नाड़ियां हैं, हृदय में नाड़ियां हैं बहुत सारी, पिंगलस्य अणिम्नः तिष्ठन्ति, नाड़यस्ता पिंगलस्य अणिम्नः तिष्ठन्ति, पिंगल यानी दूसर वर्ण की, भूरे भूरे से रंग की थोड़ी, अणिम्नः बहुत छोटी छोटे उसके आधार पर रहती हैं, ये छोटे 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 थोड़े से हैं, ये नाड़ियां ऐसी हैं। और उनके रंग कैसे हैं? तो शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य इति, ये पिंगलस्य अणिम्नः तिष्ठन्ति, जैसे यहां लिखा है पिंगलस्य की जगह फिर और लगते चले जाएंगे, शुक्लस्य यानी सफेद की, नीलस्य नील की, पीत की पीले की, लोहित की लाल की, ये अलग अलग रंग यहां पर बताए गए। तरह तरह के कुछ कण होते हैं, कुछ और किरणें होती हैं, तो शरीर की दृष्टि से कुछ कण और होते हैं, तो वो ये रहती हैं वहां, उसमें ऐसे घटक होते हैं उसके आधार पर उनके रंग हमारे को दिखाई देते हैं। तो दो तरह से तो हम देखते ही हैं मोटे तौर पर, जो कहते हैं लाल और नीले रंग की धमनियां और शिराएं जो बोलते हैं, आर्टरी और वेन बोलते हैं, जो इसको मोटे तौर पे कहते हैं कि भाई जिसमें शुद्ध रक्त जाता है या तो अशुद्ध रक्त जाता है, वो नीले और लाल रंग से तो थोड़ा भिन्नता रहती है, क्योंकि उसके घटक ऐसे होते हैं जिससे उनका रंग ऐसा दिखने लग जाता है। तो इसमें इन्होंने सफेद भी कहा, नील भी कहा, पीला भी कहा, लोहित भी कहा और पिंगल भी कहा, अलग अलग तरह से। कुछ अंदर हमारे नाड़ियां होती हैं जिसमें लसिकाएं बहती हैं, कुछ सफेद द्रव्य जैसा, तब पानी जैसा तरल पदार्थ होता है, लिम्फेटिक डक्ट्स बोलते हैं, लिम्फ होता है उसमें, वो तो सफेद सफेद भी होते हैं, सफेद मतलब तो पानी जैसा तरल गाढ़ा, या लार होती है हमारी ऐसा पारदर्शक जल जैसा, उस तरह की भी होती हैं थोड़ी, जिसमें खून नहीं होता है, रक्त नहीं, रक्त कण नहीं होते हैं, लाल नहीं होते हैं, वैसे ही केवल प्लाज्मा जैसा कुछ तरल पदार्थ होता है। इसी तरह हमारी रीढ़ की हड्डी में, सुषुम्ना में, इधर जो पीछे मस्तिष्क में जो तरल द्रव रहता है, उसको सेरिब्रल मतलब तो ये मस्तिष्क का होता है, और स्पाइनल कहते हैं रीढ़ के, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसमें एक तरल पदार्थ होता है। वो तरल पदार्थ वैसे आता रक्त में से ही है, रक्त से ही छन छन करके आता है, जिसे हम खून बोलते हैं उसी में से छन के आता है। तो जो हमें खून दिखाई देता है गाढ़ा गाढ़ा, उसमें कुछ तो कण होते हैं और कुछ तरल पदार्थ होता है। खून को अगर एक परख नली में डाल करके रख दें या थोड़ी देर घुमा दें, तो नीचे गाढ़ा गाढ़ा कणिकाएं बैठ जाएंगी और ऊपर प्लाज्मा आ जाता है, तरल पदार्थ आ जाता है, थोड़ा पीला पीला सा, हल्का लाल नहीं रहता है वो, उसमें तरल पदार्थ रहता है और कुछ और चीजें भी, प्रोटीन वगैरह कुछ चीजें रहती है, लेकिन कण नीचे बैठ जाते हैं उसमें। जैसे कई बार घाव हो जाता है, घाव होने के बाद में खून निकलता है, फिर थोड़ा जम जाता है, तो उसमें से पानी सा निकलता रहता है ना, रिश्ता रहता है जो, वो प्लाज्मा होता है, वो रक्त में भी होता है, रक्त रस बोलते हैं जिसको, रक्त वाला रस,
तो वो रक्त में से ही छन करके ये भी फ्लूइड आता है। आंख में भी जैसे होता है सफेद तरल पदार्थ, जिससे आंख मोटी रहती है, फूली भी रहती है, अंदर तरल रहता है, वो आखिर आता कहां से है? आता तो रक्त में से ही है, वो छन छन करके आता है, फिर इसी में से वापस जाता है गंदा, वो वापस रक्त में मिल जाता है, लेकिन यहां साफ रहता है। देखो तो परमात्मा की कैसी व्यवस्था है, अगर वो रक्त पोषण के लिए आता है ये, अब यहां अगर रक्त आ जाता पूरा का पूरा तो हमारे को दिखता ही नहीं कुछ भी। वो पारदर्शक तो होना चाहिए ना, तभी तो हमारे को दिखेगा, नहीं तो इतना तरल द्रव्य है। अब पोषण भी हो जाता है, आसपास में ऑक्सीजन भी मिल जाती है, अन्य पोषण भी हो जाता है, लेकिन रक्त कणिकाओं को नहीं आने देता, छन करके आता है, तो हम देख पाते हैं, साफ साफ देख लेते हैं, नहीं तो सारा लाल ही लाल हुआ, हमको वही दिखाई दे, तो वो तो बाधा खड़ी कर देते हैं हमारे देखने में। तो ये जो अलग अलग तरह के हैं उसमें, यानी उसको सफेद भी कह लें, थोड़ा सा पिंगल सा कह दें, भूरा सा कह दें, नीला कह दें, पीला कह दें, ऐसे ये कुछ अलग अलग रंग से इस तरह की नाड़ियां हमारे अंदर शरीर के अंदर विद्यमान हैं। आगे असौ वा आदित्य है पिंगल एष शुक्ल एष नील एष पीत एष लोहित एष। अब ये यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाली रखते ही हैं, तुलना करते ही रहते हैं। तो बोले ये जो आदित्य है ये इसमें भी ये के यही रंग है, ये पिंगल है, ये शुक्ल है, ये नील है, ये पीत है, ये लोहित है। नीला नीले रंग का सूर्य, सूर्य नीला तो कभी दिखाई नहीं देता है, लेकिन सूर्य की जो किरणें आती हैं तरंगें, उससे जो इंद्रधनुष बनता है वो सूर्य की किरणें ही तो हैं, वो सूर्य का रूप ही तो है। हमारे को जो दिखाई देता है वो जो ऊपर होता है तो हमको सफेद सफेद दिखाई देता है, सुबह शाम हमारे को लाल लाल दिखाई देता है, वो तो उनकी उन किरणों को किरणें अधिक दिखाई देती हैं परावर्तित होकर के। लेकिन अगर उसको हम प्रिज्म में से निकालें, या तो इंद्रधनुष, या तो जैसे इंद्रधनुष यानी पानी की बूंदों में से निकलती है वो किरणें, तो परावर्तित होकर अलग अलग छिटक जाती हैं, उनकी अलग अलग तरंगें होती हैं, तो हमारे को अलग अलग रंग दिखने लग जाते हैं। तो उसमें नीला भी होता है, परानील भी होता है, बैंगनी भी होता है, ये सब चीजें होती हैं ना। तो बोले ये जो है ये सारा का सारा इन विविध रंगों वाला है। आगे कहा तद यथा महापथ आतता, बोले जैसे बड़ा पथ, महापथ बड़ा रास्ता चौड़ा, जैसे राजपथ बोलते हैं, हाईवे बोलते हैं, जैसे वो आतता आसम सब और फैला हुआ रहता है, एकदम फैला फैला सा लगता है, खुला खुला, छोटी छोटी गलियों में जाते हैं और बोले अब हाईवे पे आ गए, खुला रास्ता, तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गए। तो जैसे कि महापथ फैला हुआ रहता है, सो उभौ ग्रामो गच्छति इमम च अमुम च, बोले रास्ता दोनों गांवों को जाता है, इस गांव को भी जाता है और उस गांव को भी जाता है। भाई इस गांव का रास्ता अलग जाना चाहिए, इस गांव का रास्ता अलग जाना चाहिए, लेकिन बोले ये जो रास्ता है ये दोनों जगह जाता है, यानी दोनों गांवों के लोग बाग इस पे आते जाते हैं, तो बड़ा हो गया ना। वो शहर के बाहर बस्तियां होती हैं अलग, कोई ये बस्ती ये बस्ती, अब सड़क बाहर जैसे जाती जाती है तो उसमें कम लोग होते जाते हैं, कोई इधर से मुड़ के चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, कोई उधर चल जाता है, आगे 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 कम होते चले जाते हैं। तो ये जो रास्ता जा रहा है वो इतनी जगह पर जा रहा है, इतने शहरों को जा रहा है, इतने गांवों को जा रहा है, तो इस गांव को भी जाता है, उस गांव को भी, दोनों लोग इसी पर आना जाना करते हैं, ये मात्र एक गांव के लिए नहीं है, एक मोहल्ले के लिए नहीं है, ये फैला हुआ है, बड़ा है। तो उभौ ग्रामो गच्छति इमम च अमुम च एवम एव एता आदित्यस्य रश्मयः, ये आदित्य की रश्मियां भी ऐसी हैं, फैली हुई हैं। उभौ लोकौ गच्छन्ति, दोनों लोगों में जाती हैं ये, इमम च अमुम च, इधर भी और उधर भी। हमें एक तरफ लगेगा ये सूर्य किसके लिए बना हुआ है, हमारे लिए बना हुआ है, सूर्य की रश्मियां कहां आती है, हमारी तरफ आती है। अब यूं देखेंगे तो हमारे घर पे भी आती है, तो पड़ोसी के भी आती है, हमारे देश में तो बगल के देश में भी, लेकिन लगता है ऐसे जैसे कि हमारे लिए ही हो, ये हमारे लिए हो, और चलो पूरी पृथ्वी को भी ले लिया, तो बोले सूर्य की रश्मियां कहां आती हैं, बोले पृथ्वी की तरफ आती हैं, जैसे कि सारी पृथ्वी पर ही आ रही हो, जबकि सब तरफ जाती हैं, चारों तरफ जाती हैं, इधर भी और उधर भी, चंद्रमा उधर होता है तो उस पर भी जा रही हैं, अन्य ग्रहों पर भी जा रही हैं, सब तरफ जा रही हैं। तो बता रहे हैं कि ये जो आदित्य है इसके भी महापथ है, ये इस गांव में भी उस गांव में भी इधर भी और उधर भी सब जगह जा रही है ये, तो किरणें इसकी। उभौ लोकौ गच्छति इमम च अमुम च अमुष्माद आदित्यात् प्रतायन्ते तः आसु नारीषु सिप्ता। तो ये जो उस आदित्य से फैल करके आ रही हैं,
जो आदित्य से किरणें फैल करके आ रही हैं, ता आसु नाड़ीशु सृप्ता, वो इन नाड़ियों में भी फैली हुई है। वो जो ऊर्जा वहां से आ रही है, वो जो किरणें आ रही हैं, वो इन नाड़ियों में भी फैली हुई हैं, इनमें भी वो चल रही हैं। अभ्यो नाड़ीभ्य प्रतायन्ते ते अमुष्मिन आदित्य सृप्ता इति, तो इन नाड़ियों से वो फैलती हैं और वो इसमें सूर्य में भी पहुंची हुई हैं, इधर उधर आती जाती रहती हैं, इधर भी अंदर भी चली गई, उधर भी चली गई। बहुत सारे कण अंतरिक्ष से निकल निकल करके आते हैं, चलते रहते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो इस पृथ्वी में से होकर के निकल जाते हैं, हमारे शरीर में से होकर गुजर जाते हैं, इधर से उधर वो प्रवाह चल रहा है उनका, हमारे अंदर से होकर के जाते रहते हैं, चलते रहते हैं, सूक्ष्म हमारे को पता ही नहीं कुछ। तो यहां आते हैं, वहां जाते हैं, ये फैला हुआ है, उसका प्रभाव हमारे पे पड़ता है और फिर यहां से वापस वो उसी स्रोत में चले जाते हैं, आगे फिर कहीं चले जाते हैं, हम उस पूरे प्रवाह में कहीं बीच के अंदर हैं। आगे नाड़ियों के बारे में कुछ और बता रहे हैं। तद यत्र एतत् सुप्तः, जो ये व्यक्ति सुप्त हो जाता है, सो जाता है, सो जाता है, तो सोना सकारात्मक नकारात्मक, सोना समय पर सोना सकारात्मक है और बाकी जगह कक्षा में सोना नकारात्मक है यार जैसे तो पर ये देखो प्रशंसा कर रहे हैं सोने की। तद यत्र एतत् सुप्तः, ये जो सोता है वो कैसा होता है, समस्त समस्त हो जाता है वो। समस्त का मतलब समस्त लोगों को सूचित किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड वसुधैव कुटुंबकम वाली भारतीय संस्कृति है कि समस्त संसार हमारा कुटुंब है। एक तो वो समस्त लेते हैं हम सारा, और एक जो संस्कृत में होता है ना समास हुआ हुआ है, जो जिसका दो शब्द या तीन शब्द होते हैं वो मिल करके एक बन जाते हैं, समास करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ये समस्त पद है। वो समस्त का मतलब सारा नहीं होता है वहां पर, वो समास इकट्ठे हुए हुए होते हैं। तो ये जो सुप्त होता है ना वो समस्त हो जाता है, जैसे कि उसका समास कर दिया गया हो, शब्दों का समास करते हैं ना तो उसकी विभक्ति चली जाती है, लुप्त हो जाती है, एक स्वर हो जाता है, एक विभक्ति हो जाती है, एक वचन हो जाता है, बहुत सी चीजें गायब हो जाती है ना उसमें से, होती है अंदर लेकिन दिखती नहीं है, वो एक तरह से यूं ही कहो कि समाप्त हो जाती है, वो समस्त हो जाता है। तो जब ये सोता है ना तो ये समस्त हो जाता है, और जब जागता है तो असमस्त हो जाता है। ऐसे जो यानी समास का जब विग्रह करते हैं, असमस्त करते हैं, इसका मतलब है कि वो टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, अलग अलग बिखर जाता है, ये इधर बिखर गया, एक शब्द एक इधर हो गया, जब हम दो टुकड़े अलग अलग कर देते हैं तो वो बिखर जाता है। तो जब जागृत अवस्था होती है तो व्यक्ति असमस्त रहता है, बिखर जाता है, और जब सोया हुआ होता है तो समस्त हो जाता है, एक एकत्रित हो जाता है, घनीभूत हो जाता है, संकुचित हो जाता है, संक्षिप्त हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, अपने आप को वहां सीमित कर लेता है, जैसे कहां बिखरा रहे, जैसे कि सारी किरणें इधर उधर जा रही थी जगते समय, और बाद में सोते समय जैसे कि सारी सिकुड़ करके और एकदम अंदर आ गई, तो सोते हुए हम क्या हो जाते हैं, समस्त हो जाते हैं, और जागते हुए असमस्त हो जाते हैं, व्यक्ति बन जाते हैं। समस्त का ये भी होता है ना सारा, तो जब हम सोते हैं तो पूरे संसार के मालिक हो गए, और क्या है, वहां रहा ही नहीं तेरा मेरा कुछ, तो क्या सारा ही मेरा हो गया फिर तो और जगते ही तेरा मेरा हो गया, तो तेरा मेरा होते ही तो वो हम समस्त कहां रहे, हम सारे कहां रहे, हम तो संकुचित हो गए कि ये तो तेरा और ये मेरा छोटे छोटे हो गए, तो सोते ही विशाल बिल्कुल हो जाते हैं। तो दोनों तरह से अर्थ ले लीजिए भले ही। तो तत् यत्र एतत् सुप्तः, जब ये सुप्ता है तो समस्त हो जाता है। फिर आगे कहा संप्रसन्नः, बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाता है, संप्रसन्नः, और स्वप्नम न विजानाति, स्वप्न को भी नहीं देखता है उस समय में। आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति, तब इन्हीं नाड़ियों में सोता है, ये जो नाड़ियां हैं इन्हीं नाड़ियों में सोता है। अभी नाड़ियों को दो ढंग से लिया जाता है, एक हृदय की नाड़ियां हैं जो रक्तवाहिनी हैं, और एक मस्तिष्क वाली नाड़ियां हैं,
तंत्रिका तंत्र जो होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, वो भी नाड़ियां हैं उसमें। तो बोले ये सोता है तब इन नाड़ियों में सोता है। तम न कश्चन पापमा स्पृश्यति, और वो ऐसी स्थिति है कि उसको उस समय कोई पाप नहीं छूता है। क्या पाप छूता है सोते हुए को? निष्पाप हो जाता है उस समय। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम, बस ऐसा निष्पाप स्वप्न के निद्रा के ज्ञान को आलंबन करके भी हम अपनी स्थिति बना सकते हैं कि जो वो पाप रहित स्थिति है, बिल्कुल निष्पाप स्थिति है। तो न कश्चन पाप स्पृश्यति, कोई पाप छूता तक नहीं है उसको सोते समय। तेजसा ही तदा संपन्न भवती, वो तेज से संपन्न हो जाता है। तेज मतलब ब्रह्म से, परमात्मा से संपन्न हो जाता है उसमें, ब्रह्म रूपता हो जाती है उसको। आगे अथ यत्र इतत् अबलिमानम नीतो भवती, जब कोई दुर्बलता को प्राप्त हो जाता है, बलिमान मतलब बलवान, अबलिमान निर्बल हो जाता है, अबलवान हो जाता है। तम अभी तो आसीना आहुर, आसपास के लोग बैठ करके बोलते हैं जानासी मा जन पहले भी आया था ये रोगी हो जाता है, ये मेरे को जानते हो, मेरे को पहचानते हो। तो कहते हैं स यावत अस्मात शरीरात अनुत्क्रांतो भवती, जब तक वो इस शरीर से निकल नहीं जाता है तावत जानाती, तब तक जानता रहता है। और इस शरीर से निकल गया तो मर गया, आप कोई कुछ भी पूछता रहे उसको क्या पता रहता है। आगे अथा यत्र इतत् यत्र एतस्मात शरीरात उत्क्रामती, जब इस शरीर से उत्क्रमण करता है तब क्या होता है। अथ एत ही एव रश्मि फिर ऊर्ध्वम आक्रमत, इन रश्मियों के द्वारा ही ऊपर जाता है। दो तरह से, एक तो नाड़ियां हो गई तंत्रिकाएं, और एक बाहर की रश्मियां सूर्य वाली, ये रश्मियां, इन रश्मियों से वो उत्क्रमण करके बाहर जाता है। स ओम इति वा ह उद्वामीयते, और जो ज्ञानी है वो ओम ये बोलते हुए ऊपर की गति को चला जाता है, यानी ओम यानी परमात्मा का स्मरण रख पाता है वो, तो वो ऊपर की गति की तरफ चला जाता है। स यावत क्षिप्येन मनस मनः तावत आदित्यम गच्छति, जैसे मन एक तरफ क्षिप्त होता है, मन में क्षिप्त होता है मतलब एक विचार से दूसरा विचार आता है, पलटता है, इतनी देर में वो आदित्य में पहुंच जाता है, आदित्य लोक तक पहुंच जाता है, उसकी गति इतनी तीव्र होती है, इतना ऊंचाइयों पे चला जाता है जो ओम को करके करता है, परमात्मा का ध्यान रखता है। एतद्वई खलु लोकद्वारम, ये ही उस ब्रह्म लोक का द्वार है, लोक का मतलब ब्रह्म लोक का द्वार है। विदुषाम प्रपदनम निरोधो अविदुषाम, विद्वानों के लिए तो वो स्थान देने वाला है, प्रवेश कराने वाला है, प्रवेश का साधन है, और अविदुषाम निरोध है, अविदुषों को रोकने वाला है। ये ऐसा लोक का द्वार है, ब्रह्मलोक का द्वार है, उसकी चलनी ऐसी है कि अविद्वानों को वहीं रोक देता है और विद्वानों को अंदर जाने देता है, वो चलनी ऐसी, अब कैसे छानता होगा, वो अलग अलग कर देता है, छटनी कर देता है वहां पर। तदेश श्लोक, इस विषय में एक श्लोक और कहा गया, शतम चैका च हृदय से नाड्य है, इस हृदय की 101 नाड़ियां हैं, 101 नाड़ियां हैं। अब 100 जो शब्द है ना बहुत्व के लिए आता है, उस रूप में 101 नाड़ियां हैं। ताभ्याम मूर्धानम अभिस्निश्रितैका, इनमें एक नाड़ी है वो ऊपर की तरफ जा रही है, बाकी नाड़ियां तो नीचे जा रही हैं। अभी कल्पित है, एक तो इस तरह अर्थ करते हैं भाई हृदय से 101 नाड़ियां निकल रही हैं, उसमें से एक ऊपर जा रही है और उसमें से फिर वो पार करता है ऊपर से मृत्यु के समय में। एक तो ये भौतिक रूप से देख लेते हैं कई जने, और दूसरा है कि जो हमारे विचार हैं वो 100 तरह के विचार हो सकते हैं, उल्टे सीधे गलत गलत जो भी सांसारिक विषयों से, एक है केवल ब्रह्म की प्राप्ति वाला, ब्रह्म के लक्ष्य वाला, वो एक ही विचार है, मार्ग है जो ऊपर ले जाता है, बाकी सब तो नीचे ही ले जाने वाले हैं, चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो चाहे वो कर लो, केवल एक ही है जो ऊपर ले जाता है ब्रह्म लोक की तरफ। तयो हो तया ऊर्ध्वम आयन अमृतत्व में थी, उससे ऊपर जाता हुआ अमृतत्व को प्राप्त करता है, बाकी नाड़ियों में गया हुआ नहीं, बाकी विचार श्रृंखला में गया हुआ अमृतत्व को प्राप्त नहीं करता, वो इधर उधर ही रहता है, वो एक ही और मात्र एक ही रास्ता है ब्रह्म को चिंतन वाला, ब्रह्मचर्य वाला, उसी से ही ऊपर जाएगा। विश्वं अन्य उत्क्रमणे भवंती, अन्य जो हैं इधर उधर बिखरी भी जो हैं वो अन्य जो हैं वो उत्क्रमण में बिखर जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं। विश्व मतलब इधर उधर, अंग अंचु गच्छति जाती हैं, इधर उधर जो जाती हैं ऐसी, उत्क्रमणे भवंती, वो बाकी सब तो इधर उधर बिखर जाती हैं। तो केवल केवल एक ही है, एक बात को ध्यान में रख करके चलने पर हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं।